जो अवध में प्रभु श्री राम लला का दर्शन करें वो निश्चित तौर पे माता जानकी का दर्शन करने उनके जन्म स्थान सीतामढ़ी आए और उतनी भव्यता यहाँ के स्थान को मिलनी यार आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़ मैं हूँ आपके साथ आर एस कुमार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है जिस तरीके से भगवान राम चौदह वर्ष का वनवास काट कर जब अयोध्या आए थे तो दीपोत्सव मनाया गया था और फिर से एक बार दिवाली आने वाला है और भगवान राम का जो मंदिर है वो बनकर तैयार है हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता विशाल जी हैं काफी चर्चा था इनका नगर निगम का जब चुनाव हुआ था सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पर स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद सीतामढ़ी आवाज़ के सभी व्यूवर्स को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं अच्छा भगवान राम जो है वनवास से लौटकर दीपावली में आए थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था अब मंदिर भी बनकर तैयार है तो अब आप लोग कैसे स्वागत के लिए तैयार हैं ये 500 वर्षों का इतिहास सभी लोग जानते हैं पंद्रह सौ ईस्वी में जिस तरीके से बाबर ने मीर बाकी ने वहाँ से राम मंदिर को ध्वस्त करके एक मस्जिद का निर्माण किया और एक लंबी लड़ाई चली लाखों लोगों ने अपनी आहुति उसमें दिए और भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ के न्याय प्रणाली के हिसाब से जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सब कुछ क्लियर हुआ तो गांव-गांव से एक एक व्यक्ति ने अपने स्वेच्छा से जो दान किया उसकी धनराशि इतनी बड़ी हुई और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है हमारे विरोधी जो कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे उनके लिए है कि आप तारीख नोट कर लीजिए 24 जनवरी या 2024 का यह तिथि और उस दिन गांव-गांव में हर मठ में हर मंदिर में हर शहर में हर कस्बे में हर एक हिंदुस्तानी के मन में वह राम मंदिर का एक अलख जो होगा वह जगेगा और हर जगह एक बड़े कार्यक्रम की हम लोगों ने भी अनूठा है रहेगा उस दिन यहाँ भी यहाँ एक बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह से कई जगहों से आज भी हमारा पास पट्टी से या साहू चौक से फोन आया कि हम लोग उस के तिथि के लिए क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करें तो जो कार्यक्रम होगा वो बहुत बृहद होगा अच्छा दीपावली तो मनाएंगे ही साथ में जनवरी में आप लोग एक भव्य दीपावली की तैयारी कर सकते देखिए ये इस बार का तो दीपावली बड़ा अनूठा होगा कि 500 वर्ष के बाद कि एक ऐसा दीपावली हम लोग मना रहे हैं कि अगले वर्ष अब हम लोग अपने प्रभु श्री राम लला का दर्शन उनके मंदिर में करेंगे कोई टेंट नहीं रहेगा बिल्कुल एक भव्य मंदिर होगा भव्य मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है यहाँ सीतामढ़ी भी जो क्योंकि माता जानकी का यह जन्मभूमि है वैसे भी प्रभु राम से जुड़ा हुआ है तो कनेक्ट करता है यहाँ के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है तो सीतामढ़ी वासी इसको कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं जैसे मठ मंदिरों में या और जगहों पे इस तरह की है कि सीता रसोई के लिए जो बर्तन की व्यवस्था है वो उसका सीतामढ़ी से लोग एकत्र करके बड़े पैमाने पे सीता रसोई का जो बर्तन होगा चांदी का पात्र होगा वो यहाँ से जाएगा उसकी रूपरेखा यहाँ के मठ मंदिरों ने रूपरेखा तैयार करके रखी हुई है उसको वो लोग अपना क्रियान्वयन आगे करेंगे क्योंकि उसको यहाँ से इकट्ठा करना फिर वहाँ ले जा करके बिल्कुल पहुंचाना और पहुंचाने के बाद उसका एक एक रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड होना ये इस तरह का उसका एक रूप रेखा है कि वो चैनलाइज तरीके से ही जाएगा जो ऑथराइज अधिकृत व्यक्ति है वही इस काम को पूरा करेंगे अच्छा लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर जाग जाएगा कि प्रभु राम कहीं ना कहीं टेंट से जो है भव्य मंदिर में आ गए अब माता जानकी की कब बाड़ी आने वाली है प्रभु राम जी का पाँच वर्ष का यह जो इतिहास रहा वो भी हम लोगों ने देखा माता जानकी के संदर्भ में है कि मेरा अपना मानना है कि यहाँ बहुत सारे मठ हैं उनमें से कुछ मठों को आगे आना चाहिए और उनको एक वृहद तौर पर एक न्यास समिति की रूपरेखा केंद्र सरकार को उनके तौर स्वतः संज्ञान के माध्यम से भेजनी चाहिए जब तक आप भूमि जैसे कि हमारा पुनौरा धाम है पंथपाकड़ है चाहे सीतामढ़ी का जानकी मंदिर हुआ हलेश्वर स्थान हुआ हमारे यहाँ एक विश्व का सबसे बड़ा जानकी जी का प्रतिमा जो बकरी मठ के आसपास बनने का है प्लान है जिस पर प्रधानमंत्री जी 24 जनवरी को उसकी स्वीकृति का भी ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि उसका होगा तो सीतामढ़ी भी निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की योजना रही कि जो भी विरासत हमारा जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे बढ़ाना है और उसी कड़ी में उन्होंने सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को दो करोड़ बाद में फिर सत्ताईस करोड़ की और धनराशि उन्होंने दिया है कुल मिलाकर के हम लोग है कि हम लोग के मन का जो भाव है कि जो अवध में प्रभु श्री राम लला का दर्शन करें वो निश्चित तौर पे माता जानकी का दर्शन करने उनके जन्म स्थान सीतामढ़ी आए और उतनी भव्यता यहाँ के स्थान को मिलनी चाहिए अच्छा दो हज़ार चौबीस में चर्चा है कि सीतामढ़ी भी एक हॉट सीट माना जाएगा क्योंकि यहाँ से जो है लोगों में अब एक बार हंकार भरने की तैयारी हो रही है कि माता सीता को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है इसको आप कैसे देखते हैं देखिए पच्चीस वर्ष पूरे हुए हैं पच्चीस वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया और वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा तन मन धन से लग करके उस गठबंधन के उम्मीदवार को जिताता रहा है भले ही वो गठबंधन के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के न रहे हों एक साल दो साल में वो उन्होंने छोड़ के चले गए हों इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है प्रदेश नेतृत्व के साथ जब भी बैठकें हुई हैं प्रदेश नेतृत्व को हम लोगों ने भी बहुत मजबूती से कहा कि हमारा किसी भी कार्यकर्ता को आप सिंबल फूल छाप का आप लड़ाइए उनके तरफ से भी जो आश्वासन हम लोगों को मिला है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही कोई वर्कर सीतामढ़ी लोकसभा से चुनाव लड़ेगा जब जंगल राज पार्ट वन समाप्त हुआ और बिहार की जनता ने अपना फुल माइंडेड दिया कि हमको इस जंगल राज को हटाना है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों हम लोग साथ मिलके चुनाव लड़े थे हम लोगों को बहुमत मिला हम लोगों ने काम करके भी दिखाया तो जितने भी मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने संभाला चाहे वो स्वास्थ्य का संभाला हो सड़क का संभाला हो उनको जो जो मंत्रालय मिली सबने अच्छा काम करके दिया नीतीश जी बार बार पलटते रहे और वो पलटी मार मार करके वो आरजेडी से वापस उन्होंने जंगल राज के विरोध में बार बार बयान दिया है बार बार राबड़ी जी का तेजस्वी जी का लालू जी का नीतीश कुमार को कभी पागल कहना कभी पलटी पलटू चचा ये खुद उनका तेजस्वी जी का नाम दिया गया है पलटू चचा का नाम पूरे दुनिया में अगर किसी ने कहा तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था तो और आज फिर वो उन्हीं के गोदी में जाके बैठ गए हैं जिस आदमी ने उनका चारित्रिक हनन के लिए कितना गंदा गंदा आरोप लगाया और वह नीतीश जी फिर जा के लालू जी के गोदी में बैठ गए उन्होंने बिहार के आठ करोड़ लोगों की कोई चिंता नहीं की उनको बिहार के रोजगार की कोई चिंता नहीं है उनको बिहार के उत्पादन की कोई चिंता नहीं है उन्होंने शराबबंदी जब लागू किया उससे पहले शराब हर पंचायतों में पहुँचाने का काम नीतीश जी ने किया था तो कहीं ना कहीं नीतीश जी फेल्योर रहे हैं हर मुद्दे पे फेल्योर रहे हैं उत्पादन नहीं हुआ जबकि सबसे बड़ा हम उपभोक्ता उत्व, बनते जा रहे हैं उनको निश्चित तौर पर यहाँ उत्पादन एफ में कराना चाहिए था ऑटो सेक्टर में कराना चाहिए था टेक्सटाइल सेक्टर में कराना चाहिए था बिहार एक बहुत बड़ा उपभोक्ता फार्मा सेक्टर का है उन सेक्टरों में कराना चाहिए था लेकिन इनसे कोई भी रोज़गार नहीं हो पाया सिर्फ ट्रेन में हमारे श्रमिक इस राज्य को छोड़कर के बाहर जाते हैं और जा कर के उन जगहों पे काम करते हैं वहाँ से उत्पादन होता है वही माल आकर के फिर बिहार में खपत होता है इस चीज़ को नीतीश जी तीस साल में नहीं समझ पाए इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग वो सारा जो बात है उनका सब ढकोसला है जातिवाद निश्चित तौर पर बिहार का कभी भला नहीं होगा जातिवाद से जातिवाद को बिहार भूलना चाहता है और भूलेगा और बिहार में एक बड़े तौर पर मेरा मानना है कि बिहार में यह करवट बदलने का यह तिथि है 2024 और 2025 बिहार करवट बदलेगा और देखिए जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना उनमें कई गुणात्मक तौर पर वो राज्य आगे बढ़े चाहे आप गुजरात का ले लीजिए गुजरात में उत्पादन इतना नहीं था वहाँ नरेंद्र मोदी जी आए सरकार बनाए और वो लोग बहुत तेज से वहाँ उत्पादन हुआ आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा उठा लीजिए आप राजस्थान का आंकड़ा उठा, उठा सकते हैं आप हिमाचल का आंकड़ा उठा सकते हैं आप कर्नाटक का आंकड़ा उठा सकते हैं जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वह क्षेत्र आज के समय में अपने उत्पादन के बदौलत अपने प्रति व्यक्ति आय के बदौलत अग्रणी राज्य है बिहार उसमें पिछड़ा है क्योंकि यहाँ का जो यहाँ जो सत्ता संभालने वाले लोग हैं वो सत्ता के लोभी हैं सत्ता से चिपके रहने वाले हैं जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करके वोट लेना उनका काम है और उसके अलावा उनके कोई विजन नहीं है विज़न के तौर पर यहाँ का छात्र बाहर जाके पढ़ते हैं जबकि यहाँ पढ़ाई के तौर पे बड़ा हब बन सकता था उसको भी आपने शुरुआत नहीं किया आज हमारे हम ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ के बच्चे कोटा जाते हों दिल्ली जाते हों बड़े जगहों संस्थानों में पढ़ते हो वो संस्थाने यहाँ आकर के कॉलेज अगर खोलना भी चाहे तो उनको उस तरह का सुविधा हमारे मुख्यमंत्री मुहैया नहीं करा सकते हैं क्योंकि उनका वो विज़न नहीं है एक तो वो सचिवालय नहीं जाते हैं जाते भी हैं तो कि नखरा नोटंकी करने जाते हैं मीडिया को लेकर के जाएंगे एक दो स्टाफ को हटाएंगे कहेंगे कि हम रो जाएंगे और दोबारा पलट के नहीं जाएंगे तो वह व्यक्ति जो अपने ऑफिस में नहीं बैठेंगे जो सचिवालय में नहीं बैठेंगे जो जाएंगे नहीं और जाएंगे भी क्षेत्र में तो सिर्फ जनता को बांटने का काम करेंगे वह व्यक्ति बिहार का भला नहीं कर सकता है बिहार की जनता जाग चुकी है और उन उसने बिहार की जनता का मन आप जाके टटोलिए गाँव में वो त्रस्त हो गया है लालू यादव से और नीतीश कुमार से वो अपनी संभावना नरेंद्र मोदी में वो अपनी संभावना सम्राट चौधरी में देख रहा है और इसीलिए बिहार आगे बढ़ेगा